हेलो स्टूडेंट्स, तो देखेंगे आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम के बारे में। ठीक है ना, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया जाता है, इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, आजकल अपने दैनिक जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते बिना इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बात आता है कि आखिर इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो एक्चुअली तुमको पता होना चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, ठीक है ना, इसको देखो ए जो है इसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, माने दो मटेरियल भी चलाओ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज कॉल कंडक्टर। माने जिससे करंट बहता है उसको कंडक्टर, और जिससे जैसे ये प्लास्टिक इससे करंट नहीं पास होगा तो इसको इंसुलेटर कहा जाता है। दोज मटेरियल विच डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल इंसुलेटर, जिससे पास होता है उसको कंडक्टर कहते हैं। अब ये देखो मेन यहाँ रोल होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के बहाव को ही करंट कहते हैं। ठीक है, तो अब ये करंट पैदा कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग को दो ट्रिक होता है। सबसे पहला एक है हाइड्रो पावर प्लांट, और सेकंड जो होता है वो थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, दो तरह से, और एक न्यूटन साहब अल्बर्ट आइंस्टीन का दिया हुआ इक्वेशन, चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वहाँ तो अल्बर्ट आइंस्टीन का दिया हुआ है ई बराबर एम सी स्क्वायर रूल। ठीक है, जहाँ पे ई एनर्जी, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सी जो होता है ना क्या बताता है, चार्ज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी एनर्जी को ना आप बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें पाया जाता है, जो भी इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, है ना। दो तरह के करंट होता है, एक अल्टरनेटिव करंट, एक डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट का मतलब क्या होता है, वैसा करंट जिसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। बैटरी से देखो इसमें क्या खासियत है ना कि एक दाने प्लस लिखा रहेगा, एक दाने माइनस लिखा रहेगा, तो इसको इसीलिए हम लोग नाम देते हैं डायरेक्ट, मतलब जिसका डायरेक्शन आप नहीं बदल सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले कि हाँ वो 9 वाट वाला बल्ब जो है ओकरा में कोई पॉजिटिव है या कोई नेगेटिव है, चाहे पंखा उंखा में दिखा दे कि हाँ इधर पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऐसा नहीं रहता, इसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम बात करें अल्टरनेटिव करंट का प्रोडक्शन आखिर कैसे होता है इसको लेकर के, तो देखो सबसे पहले ना यहाँ एनर्जी अलग अलग फॉर्म में एब्जॉर्ब रहता है। यहाँ पर सबसे पहले इसको रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है ना, इसको रिजर्वायर कहते हैं, और रिजर्वायर में पानी स्टोर करके रखता है। ठीक है, और इस रिजर्वायर के जरिए फिर पानी को स्टोर करके रखता है। तो याद रखना, जब कोई एनर्जी स्टोर्ड रूप में है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दो तरह के एनर्जी के बारे में सुने होंगे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का मतलब गति के कारण जब एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जैसे मान लो कि इसको हम बीक के मार देंगे, है ना, तो वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के कारण उसका, है ना, थोथुना उथुना चल जाएगा इधर उधर, समझ रहे हो ना, मार देंगे बीक के तो अभी। ठीक है, द मोशन के कारण अगर एनर्जी आता है तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और जब पोजीशन के कारण और शेप के कारण जो एनर्जी आता है तो उसको कौन सा एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो पानी को स्टोर करके रखा जाता है तो एक हाइट पर, ठीक है ना, इसीलिए इसमें जो एनर्जी पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इस पोटेंशियल एनर्जी के धारा को पास करवाया जाता है। ठीक है, और जैसे ही धारा को पास करवाया जाता है इसके सेंटर पे, इस वाला लोकेशन पे एक टर्बाइन रहता है। ठीक है ना, और इस टर्बाइन को क्या करता है, ब्लेड को जैसे ही रोटेट करवाता है, नचाता है, तो क्या होता है, यहाँ पे जो है ना जिसका जो एंड पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट, यहाँ से दो वायर कनेक्टेड होते हैं, और इसके बाद जहाँ पे प्रोडक्शन करवाया जाता है करंट का, एक करंट जाकर के उत्पत्ति हुआ और फिर इसको सप्लाई किया जाता है पावर हाउस में। ठीक है, वहाँ से फिर स्टेबलाइजर, चाहे पावर ग्रिड वगैरह के नाम सुने होंगे, वहाँ पावर ग्रिड वगैरह में सप्लाई किया जाता है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है अलग अलग, तब जाकर के फिर पोल के द्वारा होते हुए हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचता है। तो ये जो है हाइड्रो पावर प्लांट, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला बात क्या हुआ, एनर्जी जो कंजर्व है, माने यहाँ एनर्जी के रूप में जो पाया गया वो कैसे पाया जा रहा है, यहाँ एनर्जी पाया जा रहा है रिजर्वायर में स्टोर के रूप में, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहें, इसके बाद इसके पानी को बहाया जाता है जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और एक काइनेटिक एनर्जी, तो देखो कैसे कन्वर्सन हुआ, पहले रखा था पोटेंशियल, फिर नचा था काइनेटिक, और जब नचा तो कोची पैदा करा इलेक्ट्रिसिटी, तो बताओ तीन एनर्जी में कन्वर्सन हुआ कि नहीं। अच्छा, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, या तो लाइटिंग पर्पज के, नहीं तो हीटिंग पर्पज से, चाहे कोई भी मैकेनिकल काम कराने के लिए। देखो वहां पर समरसेबल बोरिंग करवाया, तो समरसेबल का मेन मकसद क्या हुआ, ताकि पानी को पहुंचा, तो ओकरा में करंट देते हैं तब ना, तो करंट आप दे रहे हैं, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करके पानी को टंकी में पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो यहां पे क्या होता है, एनर्जी कैसे काम करता है, एनर्जी को मतलब कैसे वो कोई वर्क को परफॉर्म करने में मदद करता है, इसी को लेकर के हम बात करते हैं। ठीक है ना,
जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ वहाँ पे जाकर के डायरेक्टली मतलब काम करने का कोशिश किया। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था, इसको जैसे ही पास करवाएं, मोशन के कारण जो एनर्जी हुआ वो काइनेटिक एनर्जी, और ये तुरंत भर में इसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई होते रहता है, इस तरह से होता है। सेकेंड होता है हमारा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है, वहाँ पर बहुत बड़ा रिजर्वायर रहता है, ठीक है ना, और या कंटेनर रहता है, ठीक है, और उस कंटेनर में क्या करते हैं ना, पहले पानी को रखा जाता है, और पानी को रखने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको गर्म किया जाता है, ठीक है, कोयला से। पता है कुछ दिन पहले जब था कोयला के महामारी पड़ गया था, इस चलते बोला गया था कि अब कुछ दिन मतलब सप्ताह में 2-4 दिन लाइन आएगा, चाहे उससे बोला जा रहा था ना कि लाइन मतलब प्रॉपर नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है रुक सकता है। कारण क्या हुआ था कि कोरोना काल में तो सब फैक्ट्री वगैरह बंद हुआ, उसके बाद जब सब खुला उसके बाद पूरा जब बिजली का डिमांड वगैरह बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, इसी बात को लेकर के। तो फिर हुआ क्या एक्चुअली में, वहाँ क्या किया जाता है, बड़ा सा कंटेनर लिया, उस कंटेनर को पानी से भरा जाता है और नीचे में कोयला से बर्न करके आग लहराया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही आग जलाते हैं तो बताओ पानी को गर्म करेंगे तो वेपर बनेगा कि नहीं, है ना, तो वो पानी क्या करता है वेपर में बदल जाता है, यानी बाष्प में बदलता है वो वेपर, ठीक है, और वो वेपर बना तो जो स्टीम निकलता है, जो बाप निकलता है, कहीं से कुकर के सिटी मारता है देखे हैं, हैं? तो नहीं तो खाली लड़की पे सिटी मारेगा, है ना, कुकर सिटी मारता है देखे है ना, तो जो कुकर पे सिटी, जो कुकर जो सिटी मारा वो जैसे ही क्या करता है, कुकर का जो सिटी है तो प्रेशर दिखाया कि नहीं, वो प्रेशर को छोड़ा जाता है कहाँ पे, टरबाइन ब्लेड पे, ठीक है, और जैसे ही टरबाइन ब्लेड पे छोड़ा जाता है ये क्या करता है, इसको नचाना शुरू करता है, और ये टरबाइन जो है ब्लेड जो होता है ये अटैच रहता है जनरेटर से, ठीक है ना, और ये इसका सप्लाई फिर पोल तक चला जाता है, इससे करंट सप्लाई करता है। और पुनः पता है क्या होता है, जब एक बात याद रखना क्या होगा ना, कि जब कोई वेपर ठंडा होगा तो पुनः पानी में कन्वर्ट होता है, तो जैसे ही पंखी को वो रोटेट कराता है ना, ठंडा होने के बाद वही पूरा पानी कन्वर्ट होकर के, और फिर वही पानी को पुनः सप्लाई किया जाता है कंटेनर में जहां पानी उबाला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता हो गया ना संरक्षण ऊर्जा का क्या कहता है, माने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट यही है, एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ऊर्जा को ना बना सकते ना ही खत्म किया जाता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है। तो यहां पे एनर्जी का ही कन्वर्शन होता है। अगर देखो तुम कॉमन एग्जांपल, हम लोग बॉल जलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ दिए तो इलेक्ट्रिसिटी से वो कन्वर्ट होता है लाइट एनर्जी में, ठीक है ना, अच्छा उसके बाद आयरन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तब तो जाकर के आयरन किया गया, ठीक है। अभी जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, एक कैमरा हो गया ना, कैमरा का काम कर रहा अभी, तो कैमरा से कैसे काम करता है आपको पता है, कैमरा एक कब विजुअलाइज होता है लाइट को, तो सबसे पहले ये लाइट एनर्जी, पहले तो वहाँ तो डीसी करंट दिया गया है, तो केमिकल एनर्जी माने इलेक्ट्रिसिटी में, पता है तुमको इसमें क्या होता है, जो ये ड्राई सेल है ना, इसको ड्राई सेल बोलते हैं, ठीक है ना, हम लोग को वो बैटरी होता है उकरा में सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, ये ड्राई सेल में एक दोनों कबाड़ेंगे ना, बीच से नोचेंगे ना, एकरा में कार्बन रड निकलेगा जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, तो ड्राई सेल में कार्बन पाया जाता है, समझ गए, और उसमें जो पाया जाता है हम लोग का जो लिक्विड वाला जो सेल रहता है, जो घर में बैटरी नहीं उल्लेधा टाइप के रहता है, उस है ना 220 वोल्ट कितना कितना लिखा हुआ रहता है, वो सब बड़ा बड़ा जो बैटरी है उसमें जो बेसिकली अगर आपसे बात करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रहता है उसमें, ठीक है ना, कभी बैटरी को टांग करके ले जाओ कपड़ा पे 2-4 बूंद चुआ लो और बाद छेदे छेद हो जाएगा, ठीक है ना, फिर पता चलेगा कि तरीके गजब का रिएक्शन है, एकरा तो एकदम से देखता है कि अभी कोई तो चाट के उजर कर लेता है इसको, कह रहा है कि एकदम से है ना भन भन आ गया, ठीक है ना। तो इस केस में भी एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है इसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोड पाया जाता है जो कार्बन का रहता है, और उसमें जो पाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जो उसमें मतलब उसमें बड़ा वाला बैटरी में उसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 पाया जाता है, इसी का कन्वर्सन होता है, ठीक है, और कन्वर्सन करने के बाद ही अपना ये काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।